हाँ जी, सारयां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं रूबी कीनिया के नवे गुरु घर के बारे जानकारी सांझी कर रहा। ये तुसीं जो गुरु घर देख रहे हो, ये नानकसर एक गुरद्वारा नाल आ, ते एक बाबा ईश्वर सिंह कम्यूनिटी सेंटर इत्थे बनिया होया। सो हरेक की विचारधारा अलग अलग आ, तो उस इस करके मेरा मकसद सिर्फ इत्थे जो सिख संस्थावां किसी भी संस्था नाल जुड़िया हुई जां किसी धारा नाल जुड़िया ने, मेरा सिर्फ जानकारी एकत्र करना इत्थे है। सो एक सिख गुरद्वारा इत्थे दो स्थान ने। सो आ बारला माहौल है, सारिया इमारत इत्थे, ते एक ए गुरद्वारा नानकसर नाल उहदे भी आपां दर्शन करांगे। ते उस तो इलावा ये सारी इमारत जिहड़ी है ये बाबा ईश्वर सिंह कम्यूनिटी सेंटर इत्थे बनिया। इत्थे क्योंकि मेन प्रॉब्लम सी इत्थे जिहड़ा नानकसर गुरद्वारा सीगा, उत्थे क्योंकि लावां जदों विआह हुंदे सीगे, क्योंकि इत्थे तां ही बनाया गुरद्वारा इह दू जिहड़ी इस साइड ते काफ़ी सिख वसों पापूलेशन आ, ते उत्थे जिहड़े सिखां दे आनंद कारज करन दी प्रॉब्लम आउंदी सी, इस नूं मुख रखदे आ इत्थे इक बाबा ईश्वर सिंह कम्यूनिटी सेंटर बनाया गया। इत्थे बहुत सारियां सेवावां ने, एक डिस्पेंसरी भी है, तो उहदे दर्शन करदे अंदर जाके आपां सारे गुरद्वारा साहिब दे भी। इत्थे आ देखो खंडा किड्डा वड्डा। वीडियो नूं पूरा देखण तों पहलां जिन्होंने अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब कर लो तां कि आउण वालियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। और इस दे नाल ही तुहानूं गुरद्वारां तों इलावा जिहड़े प्रमुख शख्सियतां ने कीनियां दीआं, उहनां दीआं इंटरव्यू आउण वाले समें दे विच देखण नूं मिलणगीआं। ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ।
ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੜਕ ਨਾਲ ਹੀ ले जा रहे हैं जी। ये पौड़ियाँ थी कीप डिस्टेंस 1.5 मीटर कोरोना ने करके सारा गुरु कर रहा लंगर गुरु नानक साहब के 550 साल से इतने मनाया गया सी काफ़ी वड्डे पद्धर से। सो ये आपने दर्शन किए बाबा ईश्वर सिंह कम्यूनिटी सेंटर का नाम है। तो ये नाल ही हूँ आप जो इतने मेन जगह क्योंकि बाहर बनाया गया सी जो गुरद्वारा नानक सर वो जाके देखते अंदर ये गेट मेन जो इतों का बहुत रमणीक जी जगह कहते इत काफ़ी हरियावल है पिछे बहुत हरियावल है। सो ये बिल्डिंग के नाल ही तुम देख सकते हो ये नानकसर जरा गुरद्वारा। सो सिखा के बहुत सारिया विचारधारावान ने। सो मेरा मकसद सिर्फ तो सिर्फ इतों की जानकारी देने संबंधी है भी जो इतने स्थान ने सो इतने जो संस्थावान ने। सो अज मेरी मुलाकात इत्थे सिख कौंसल कीनिया दे जेडे मुख सेवादार ने रविंदर सिंह उन्होंने नाल हुई सीगी। सो उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी जो कि बाबा ईश्वर सिंह इतों कम्यूनिटी सेंटर जरा उत्थे दे भी सेवादार ने नानकसर चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी एक चल रही है इतने और तुम देख सकते हो डॉक्टर बैठे हुए। ये नानकसर का जोड़ा गुरुद्वारा इतों बहुत कुत्ते भी इतने रखे हुए रात को छे जाने इतने इतने आर्ट वर्क बहुत कमाल का जिते कित भी गया ना मैं मैंने बहुत अलग तो यूनीक चीज़ा देखने को मिली इतों का फर्नीचर या होर सब कुछ तुसी देख सकते हो। गुरद्वारा साहब का भी ये ऑफिस नानकसर सतसंग सेवा किसी ने करवानी होगी तो वो वास्ते बनया हो बैक साइड पर कुछ कुलियां बनिया हुई जी इतने सेवादार रह रहे हैं उन्होंने वास्ते बैक साइड पर। सो ये दरबार हाल है नानकसर सतसंग सभा पौना एक हो चुका श्री शाम इतने कीर्तन होंगे ये नानकसर का गुरद्वारा। सारा गुरु घर इतों कीर्तन इतिहास सुखमनी साहब का पाठ 2 बजे तो 2:30 बजे तक 3:30 तो 4:30 आसकी बार फिर अगर 4:30 तो 6:30 शब्द कीर्तन फिर कथा शाम के दीवाना मेरे शुरू हो जाने जोड़े 4:30 तो 5:15 फिर 5:15 तो 7 कीर्तन फिर रहरा साहब 7 to 7:30 तक 7:30 तो। सो ये गुरद्वारा साहब के बाहर का नज़ारा देख सकते हो। सो फिर मैं कह रहा इस वीडियो दे विच कि सिखां दे विच जो वख-वख विचारधारावां ने
ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੋ ਆਪਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।